हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो गूगल शीट का है और आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम ऑफ आइटम्स लिखा हुआ है, टाइटल है ये, ठीक है। इसे हम किसी कलर में, यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर हम यहाँ पे दे देते हैं और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम्स को एक अलग बैकग्राउंड कलर देंगे। तो यहाँ पर जा करके और आपको जो भी कलर ठीक लगता हो वो कलर आप चूज कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये कलर अगर मैं चूज कर लेता हूँ तो ये कलर इसमें आ गया, और फिर इसको कोई दूसरा सेपरेट कलर दे देता हूँ तो यहाँ पर जा करके और कोई हल्का कलर यहाँ पर भी चूज कर लेता हूँ, जैसे ये कलर ठीक लग रहा है तो ये इस तरह से हमने दे दिया। अब आप देख सकते हैं ये नेम ऑफ आइटम्स है और ये प्राइस है। इन दोनों में यहाँ पर नीचे जो है नेम ऑफ आइटम्स लिखे हुए हैं। नेम ऑफ आइटम्स की बात करें तो यहाँ पे कीबोर्ड और फिर काफी ज्यादा गैप है। ये गैप जो है अरेंज वे में नहीं है, यानी कि एक समान रूप से गैप दिया नहीं गया। यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप है, यहाँ पर बहुत ही कम गैप है, फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप है, फिर यहाँ पर ज्यादा गैप है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा गैप है, यहाँ पर सही है। तो ये अरेंज नहीं है बिल्कुल भी। तो इसको हमें रिड्यूस करना है, तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे इसको सही कर सकते हैं, इसके लिए हमें गूगल शीट एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। और वो फंक्शन, वो ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्लिक कर लेता हूं, इसे सिलेक्शन में ले लिया हमने, और अब हमें जाना है कहां पे, जाना है डेटा पर। तो ये डेटा पर आ गए हैं हम, और डेटा पर जाने के बाद नीचे आइए और यहां आपको मिल जाएगा ट्रिम व्हाइट स्पेसेस। आप देख सकते हैं ये ऑप्शन ट्रिम व्हाइट स्पेसेस, यहां पर जाइए क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक किया तो ये इसने इसे ट्रिम कर दिया, यानी कि ये देखिए कीबोर्ड फॉर डेस्कटॉप ये जो था ये बिल्कुल प्रॉपर वे में आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से ये तो बिल्कुल ही अरेंज वे में है, अगर इसको हम ट्रिम करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, ये चलिए देख लेते हैं। डेटा टैब पे चलते हैं और यहां से इसको ट्रिम करते हैं, ट्रिम व्हाइट स्पेसेस, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं नो सेलेक्टेड सेल्स हैड व्हाइट स्पेसेस ट्रिम्ड, यानी कि कोई व्हाइट स्पेसेस है ही नहीं तो ये किसको ट्रिम करेगा। ट्रिम का मतलब होता है काट छाटकर छोटा करना, ठीक है। अब यहां पर क्लिक करता हूं और यहां पर क्लिक करने के बाद वापस चलता हूं कहां, डेटा टैब पर, और डेटा टैब पर जाने के बाद वापस से रिमूव व्हाइट स्पेसेस, ट्रिम व्हाइट स्पेसेस पे करना है क्लिक। तो ये ट्रिम व्हाइट स्पेसेस पे क्लिक किया और वन सिलेक्टेड सेल थी तो इसे इसने ट्रिम कर दिया। अच्छा, इन दोनों को एक साथ अगर मैं ले लेता हूं तो क्या होगा, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया, एक ही बार में पूरे डेटा को आप ट्रिम कर सकते हो, ठीक है। यहां पर जाइए और यहां पर जाकर के और आपको करना है ट्रिम व्हाइट स्पेसेस, ये देख सकते हैं ये ऑप्शन, इस पे क्लिक कर दीजिए और ये नो इसने दोनों ही को ट्रिम कर दिया, यानी व्हाइट स्पेसेस को कर दिया है ट्रिम। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको ट्रिम, ट्रिम व्हाइट स्पेसेस का यूज, और बहुत ही कमाल का फीचर है। और गूगल शीट अगर आप यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है एक्सेल तो भूल ही जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।